युवाओं को नशे से दूर रखने के मकसद से ऐतिहासिक चौगान मैदान में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 15 मार्च से शुरू हो रही इस प्रतियोगिता का आयोजन डायनेमिक युवा मंडल नाहन और सिरमौर यूथ स्पोर्ट्स क्लब के संयुक्त सौजन्य से किया जा रहा है। खेल खेलो नशा छोड़ो, खेलेगा युवा तो नशे से दूर रहेगा युवा की थीम पर आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में युवा भाग लेंगे। आयोजकों के मुताबिक प्रतियोगिता में पहुंचने वाले सभी युवा खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई जाएगी ताकि लगातार बढ़ते नशे के प्रचलन को रोका जा सके। समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए युवाओं ने मिलकर इस आयोजन का निर्णय लिया है ताकि युवाओं का खेल की तरफ रुझान बढ़ सके। नाहन के चौगान मैदान में 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन का मुख्य लक्ष्य है, जो हमारा थीम है इस टूर्नामेंट का, खेल खेलो नशा छोड़ो, खेलेगा युवा तो नशे से दूर रहेगा युवा। इस थीम के अंतर्गत हम इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आज जो नशा है वो समाज के अंदर एक अपनी जड़ फैलाता जा रहा है, तो हम जो सिरमौर की युवा है और हिमाचल के जो युवा है उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं का जो नशे से ध्यान हटके खेल की तरफ रुझान बढ़े। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास जिला सिरमौर के हरिपुरधार, संगड़ा, शिलाई, रोनाट, कपोटा, रेणुका जी, सरा, राजगढ़, खेरी, बागथन, बेचड़का बाग, अपना सतौन, आंजभोज, पौंटा साहिब, कालाम, कोलर, धौला कुआं, माजरा, सुरला और नाहन, बहुत सारे पूरे जिला सिरमौर के लगभग सारी जगहों से हमारे पास टीम सारी है। और इसके अलावा जिला सोलन और जिला शिमला से भी हमारे पास टीम सारी है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा साथ पड़ोसी लगता राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ से भी हमारे पास टीम सारी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टूर्नामेंट में विनर टीम को 55,000 रुपये और ट्रॉफी, सेकंड जो रनर अप टीम रहेगी उनको 25,000 और ट्रॉफी, थर्ड और फोर्थ टीम को भी 51,100 रुपये। इसके अलावा जो सबसे आकर्षक इस टूर्नामेंट की जो बात है, पूरा का पूरा टूर्नामेंट खेल खेलो नशा छोड़ो के अंतर्गत खेला जाएगा। और इस पूरे टूर्नामेंट में जो खेल खेलो नशा छोड़ो ड्रेस है वो कमेटी प्रोवाइड कराएगी। जो पूरा टूर्नामेंट है वो ड्रेस में खेला जाएगा और फाइनल की दोनों टीमों को, विजेता टीमों को, दोनों प्रथम और द्वितीय को 22 खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स की 22 किटें भी दी जाएगी और 22 की 22 खिलाड़ियों को शूज़ भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो बाहर से हमारे पास टीम्स आ रही है उनके लिए हमने ठहरने की व्यवस्था की है, निःशुल्क उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की जाएगी खिलाड़ियों के लिए। और पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को निःशुल्क हम कमेटी की तरफ से रिफ्रेशमेंट भी देंगे।